फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके पास आई हूँ एक नई वीडियो के साथ, जो है बिगिनर्स के लिए मेकअप। स्टार्टिंग में हमें पता नहीं चलता कि हमें कौन सा मेकअप यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन से ब्रांड का यूज करना है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको बहुत ज्यादा मनी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है मेकअप के ऊपर। जिसमें मैंने जो भी प्रोडक्ट यूज किए हैं वो सारे ड्रग स्टोर्स के हैं, और उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। तो अगर आपको वो प्रोडक्ट बाय करने हैं तो आप इजीली बाय कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो मैं दो फाउंडेशन यूज करने वाली हूँ, दोनों को मिक्स करने वाली हूँ मैं। एक्चुअली मुझे जो सेकंड फाउंडेशन मैं यूज करने वाली हूँ वो भी मेबलिन ही है, लेकिन मुझे उसका टोन थोड़ा येलो है, मुझे अच्छा लगता है वो, इसीलिए मैं दोनों को मिक्स करने वाली हूँ। सो यूज करने वाली हूँ मैं फर्स्ट मेबलिन फिट मी ड्यूई स्मूथ फाउंडेशन, मेरा शेड है मीडियम बफ। और सेकेंड फाउंडेशन जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है मेबलिन फिट मी मैट पोरलेस फाउंडेशन, इसमें मेरा शेड है गोल्डन डोर। सो मैं इन दोनों को मिक्स करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये मीडियम बफ यूज कर रही हूं मैं। और ये गोल्डन डोर मैं इसमें थोड़ा मिक्स कर रही हूं। ये दोनों फाउंडेशन जो मीडियम कवरेज हैं, आई लव मेबलिन फाउंडेशन। इट्स रियली लाइट ऑन द स्किन। एक्चुअली इट्स रियली लाइट वेट। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा कंसीलर। सो जो कंसीलर मैं यूज करने वाली हूँ वो है मिलानी कंसील परफेक्ट, और इसमें मेरा शेड है 130। जो कंसीलर हम यूज करते हैं वो इसीलिए कि जो हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होते हैं, जो थोड़े बहुत स्कार्स होते हैं किसी के भी स्किन के ऊपर, सो उसको जो है ये हाइड कर देता है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैं अपनी आईज के नीचे हाईलाइट कर रही हूं, और फोरहेड और चैन। सो इसको अभी हम, मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर रही हूं, तो इसको अभी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। कंसीलर के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको शेड पिक करना है कंसीलर के लिए, तो वो ओनली 2-3 शेड लाइटर होना चाहिए, ज्यादा लाइट नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा डिफरेंट लगेगा फाउंडेशन से। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओनली 2-3 शेड लाइटर ही आपको पिक करना है। और अभी मैं अपने आईब्रो फिल करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ रिमेल लंदन की ये पेंसिल जो है ब्रो दिस वे, एंड ये दूसरी पेंसिल भी मेरी फेवरेट है जो है रिमेल लंदन की, ये है ब्लैक ब्राउन। सो ये दोनों मैं मिक्स करने वाली हूँ, सो इन दोनों को मैं यूज करने वाली हूँ। इस पेंसिल से मैं सिर्फ आउटलाइन करती हूँ वैसे हमेशा, आईब्रो फिल करना मेरा फेवरेट पार्ट है, बिकॉज अगर मेरे आईब्रो फिल नहीं होते तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सबसे पहले फाउंडेशन लगाने के बाद मुझे ऐसा होता कि यार मुझे आईब्रो फिल करनी है, बिकॉज अदरवाइज आई लुक स्लीपी, आई लुक सिक। और मैंने अपने आईब्रो अभी आउटलाइन कर चुकी हूँ, अभी नेक्स्ट जो है मैं अपने आईब्रो को इनसाइड यहां से फिल करने के लिए जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है मेबलिन टैटू स्टूडियो। इसका ये कौन सा कलर है, ब्लैक नॉयर। सो ये कलर मैं यूज करने वाली हूँ, बिकॉज मेरे जो हेयर है वो डार्क है, तो इसलिए मुझे अपने आईब्रो भी बहुत डार्क अच्छे लगते हैं, जस्ट लाइक ब्लैक। सो इसलिए मैं ब्लैक यूज करती हूँ ज्यादा। आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको कलर अच्छा लगता है वो चूज कर सकते हो। तो अभी मैं इस ब्रश से इसको ब्लेंड कर लूंगी। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मेरे आईब्रो अभी फिल हो चुके हैं।
मेरे आईब्रो बहुत थिक है, मेरे ब्रदर को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसको मेरे आईब्रो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बोलता है पतले कर ले छोटे कर ले। ओके फ्रेंड्स, सो अभी हमारा फाउंडेशन स्टेप फिनिश हो चुका है, कंसीलर भी लग चुका है और मेरे आईब्रो भी फिल हो चुके हैं। तो उसके बाद अभी जो नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ वो है फिनिशिंग पाउडर हम यूज करेंगे, जो कि हमारे मेकअप को सेट कर देता है और हमारा फाउंडेशन टिक जाएगा अच्छे से। सो इसीलिए हम यूज करेंगे लूज फिनिशिंग पाउडर। सो ये मैं मेबलिन का यूज करने वाली हूँ, इसमें मेरा शेड है लाइट मीडियम और इसके लिए मैं ये फ्लफी सा ब्रश यूज करने वाली हूँ। तो ये दिखने में ऐसा है और इसके लिए मैं ये ब्रश यूज करने वाली हूँ। आई लव दिस फ्लफी ब्रश, इट फील्स सो गुड ऑन द स्किन। और अभी मैं यूज करने वाली हूँ आई शेडो, जो कि मैं यूज करने वाली हूँ मिलानी गिल्डेड गोल्ड। और इसमें जो शेड है आप देख सकते हो, इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे शेड है, इसमें गोल्ड, रोज गोल्ड, लाइट पिंक, पीच, ऑलमोस्ट सारे कलर है। छोटी सी पैलेट है लेकिन इसमें बहुत अच्छे अच्छे शेड है। सो मैं शेड यूज करने वाली हूँ दिस वन, ब्रश यूज करने वाली हूँ मैं एल्फ का, और जो सेकंड ब्रश है वो है प्रो फ्यूजन का पॉइंटेड क्रीज आई शेडो। आई शेडो लगाने के लिए मैं सबसे पहले क्रीज बना रही हूँ। आई शेडो के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी आपको आई शेडो, अगर आप बिगनर हैं तो आपको स्टार्टिंग करनी है, उसके लिए आप न्यूड शेड ही चूज करें स्टार्टिंग के लिए। धीरे धीरे आप जैसे एक्सपर्ट होते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कलर्स के साथ कैसे प्ले करना है। तो नेक्स्ट अभी मैं यूज करने वाली हूँ आई लैश कर्लर। वैसे तो मैं अभी आईलाइनर लगा सकती हूँ लेकिन क्योंकि मैं यूजली आईलाइनर नहीं यूज करती, बहुत कम यूज करती हूँ, तो इस टाइम मैं अभी आईलाइनर नहीं यूज करने वाली, तो इसीलिए ओनली मैं मस्कारा यूज करूंगी। सो नेक्स्ट अभी मैं यूज करने वाली हूँ मस्कारा, जो कि है अल्टा ब्यूटी का लिमिटलेस लैशेज। नेक्स्ट मैं यूज करने वाली हूँ काजल, मैं यूज करने वाली हूँ रिमेल लंडन का स्कैंडलस आईज 005 न्यूड शेड यूज करने वाली हूँ। अगर आपको ब्लैक काजल यूज करना है आप ब्लैक यूज कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर दिस वन। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है कॉन्टूअर, और कॉन्टूअर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ एल मेकअप प्रेस्ड पाउडर। ये मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्कर है इसीलिए मैं इसको यूज करूंगी एज अ कॉन्टूअर। अगर आप बिगिनर हो तो कॉन्टूअर के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप पाउडर ही यूज करो। कोई भी ड्रग स्टोर का आप कॉन्टूअर पैलेट यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये यूज करने वाली हूँ बिकॉज कभी कभी जब मुझे बहुत ही लाइट मेकअप करना होता है तो मैं इस पाउडर को एज अ कॉन्टूअर यूज कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ ये ब्रश, राउंड ब्रश। कॉन्टूअर के साथ जो आपका फेस है उसको एक अच्छी शेप मिल जाती है और इसको अच्छे से ब्लेंड करना होता है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सिर्फ पाउडर ही यूज करो अगर आप बिगिनर हो। ओके सो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज करने वाली हूँ कवर गर्ल का चीकर्स, और इसके साथ भी एक स्मॉल ब्रश है लेकिन उसको मैं नहीं यूज करने वाली हूँ। मैं यूज करने वाली हूँ इको टूल्स का ये ब्रश।
ये बहुत ही नेचुरल है और इसको मैं यहाँ पे चीक्स के ऊपर यूज करने वाली हूँ. ऑलराइट, सो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है हाईलाइट. तो मैं अपने चीक्स को यहाँ के पार्ट को जो है हाईलाइट करने वाली हूँ. उसके लिए भी मैं यूज करने वाली हूँ कवर गर्ल की ये पैलेट. ये है ट्रू ब्लेंड सुपर स्टनर पैलेट. इसमें 3 शेड्स हैं. इसमें जो ये मिडल शेड है लिटिल बिट गोल्ड, ये यूज करने वाली हूँ. और इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ सेम राउंड ब्रश और इसको मैं हाईलाइट के लिए यूज करने वाली हूँ. सो नेक्स्ट और लास्ट हमारा स्टेप है वो है लिपस्टिक. उसके लिए मैं यूजली लिप लाइनर नहीं यूज करती, बहुत कम यूज करती हूँ. सो लिपस्टिक के लिए मैं यूज करने वाली हूँ लॉरियल पेरिस का ये शेड 434 एंड सेकेंड शेड भी लॉरियल पेरिस का है और ये है 446. ये लिप शेड मुझे बहुत ही पसंद है. ये मैट है और ये ऑलमोस्ट ऑल डे रहता है. ओके फ्रेंड्स, तो मेकअप हो चुका है अभी डन.